केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की जन आशीर्वाद यात्रा का आज अंतिम दिन, हमीरपुर की कई जगहों पर हुआ भव्य स्वागत। ऊना जिला के मेहतपुर में होगा यात्रा का अंतिम पड़ाव। केंद्रीय युवा सेवाएं व खेल और सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, नई शिक्षा नीति में खेलों को दिया गया है बढ़ावा। सोलन व परवाणू की फल मंडियां हुई सेब से गुलजार, अब तक 2 अरब का हुआ व्यापार। पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने जन आशीर्वाद यात्रा पर मिल रहे जन समर्थन को लेकर कांग्रेस द्वारा की जा रही बयानबाजी पर किया पलटवार, कहा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के स्वागत को उमड़ रहा हुजूम रास नहीं आ रहा कांग्रेस को। बीते दिनों किन्नौर के निगुलसरी में हुए भूस्खलन का रिसर्च करवाएगी प्रदेश सरकार, कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा इस संबंध में केंद्र से की जाएगी बात। विधायक अनिरुद्ध सिंह ने कहा 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस कर रही है तैयारी, सरकार पर लगाए महंगाई और बेरोजगारी पर काबू न पाने के आरोप। प्रदेश के अधिकतर भागों में मौसम रहा सामान्य, न्यूनतम व अधिकतम तापमान में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं, अगले 24 घंटों में कुछ एक स्थानों पर हल्की वर्षा की संभावना।